ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 62। सो चेस सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर। व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? फाइन। सो आप देखो, ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, यहाँ पे आपके पास जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं वो प्लेन्स हैं, एंड ये जो प्लेन्स हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। इनकी पोटेंशियल है 10 वोल्ट, 20, 30, 40 वोल्ट। सो जब हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं वो प्लेन्स होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, राइट? आप देखो कि ये जो प्लेन्स हमें दे रखे हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। ये आपको एक्स एक्सिस दे रखी है, जो एंगल है प्लेन का एक्स एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री दे रखा है, एंड ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना। सो अगर मैं कहता हूँ दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस, इट मींस आपको कौन सा डिस्टेंस लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यहाँ से लेट्स से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, समथिंग लाइक दिस। सो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू प्लेन्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, इसकी वैल्यू कितनी है? अभी आप देखो, ये जो ट्रैंगल है ये एक राइट एंगल ट्रैंगल हो गया, इसका हाइपोटेनियस है 10 सेंटीमीटर, ये एंगल है 30 डिग्री। सो डी कितना होगा? 10 sin 30 डिग्री, और यू कैन से 30 होता है 1/2, सो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। किसी भी दो पैरेलल प्लेन्स, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 5 सेंटीमीटर ही आ रहा है, राइट? कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव प्लेन लेके उनके बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो यूनिफॉर्म है 5 सेंटीमीटर। तो जब भी ये वाला केस होता है ना कि आपके पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो पैरेलल प्लेन्स हैं, एंड जो दो प्लेन्स हैं कॉन्सेक्यूटिव प्लेन्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? नाउ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की हमें बात करनी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है -dV/dr, यू कैन से। अगर मैं मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना है, सो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लेने पे दैट इज सिंपली dV/dr। नाउ अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है देन dV/dr को आप δV/δr भी लिख सकते हो। व्हाट इज डेल्टा वी? चेंज इन पोटेंशियल। व्हाट इज डेल्टा आर? चेंज इन आर, और यू कैन से जो डिस्टेंस है ना दो पॉइंट्स के बीच का। सो आप देखो कि अगर हम ये वाला प्लेन देखें, इसका पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, इसका पोटेंशियल कितना है 30 वोल्ट। सो दो प्लेन्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आप देखो ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया? 20 - 10, विच इज 10 वोल्ट। सो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। एंड डेल्टा आर कितना डिस्टेंस है दो प्लेन्स के बीच में? दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। सो डेल्टा वी हो गया 10 वोल्ट, और डेल्टा आर 5 सेंटीमीटर, और यू कैन से 0.05 मीटर। सो ये आ जाएगा 200 वोल्ट पर मीटर, है ना, ऐसा यूनिट में। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करें, सो देखो जो डायरेक्शन होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इस तरह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, राइट? एंड ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर की तरफ हो सकता है लेट्स से E1, या तो नीचे की तरफ हो सकता है लेट्स से E2। दोनों ही जो डायरेक्शन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर। सो कैसे देखेंगे कि E1 का डायरेक्शन सही है या फिर E2 का डायरेक्शन सही है? तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है, और यू कैन से जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अभी देखो ये वाला प्लेन जो है इसका पोटेंशियल 10 है, इसका 20 है, इसका 30 है, इसका 40 है। अगर मैं E2 के डायरेक्शन में मूव करता हूँ, राइट? सो पहले मेरा पोटेंशियल था 20, अभी देखो मैं E2 के डायरेक्शन में जब मूव करूंगा, सो इस वाले प्लेन पे पहुंचूंगा जिसका पोटेंशियल है 30। सो पोटेंशियल 20 से 30 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, इट मीन्स ये डायरेक्शन सही नहीं है। E1 के डायरेक्शन में चलते हैं, अभी पोटेंशियल है 20, अब आप E1 के डायरेक्शन में चलो, आपको पोटेंशियल कितना मिला? 10।
सो पोटेंशियल कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होना भी चाहिए, इट मीन्स E1 का डायरेक्शन सही है। सो आपका जो डायरेक्शन है वो E1 वाला सही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मीन्स ऊपर की तरफ है। सो एक्स एक्सिस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना एंगल है, ये एंगल है 30 और ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री। सो एक्स एक्सिस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है वो है 120 डिग्री। काइंड ऑफ इस तरह से आपके पास एक्स एक्सिस है, राइट ये प्लेन था, प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये एंगल 30 था और ये जो प्लेन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है वो 90 है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस के साथ जो टोटल एंगल आ रहा है वो आ रहा है 120 डिग्री। नाउ जो सेकंड वाला केस आपको दे रखा है, यहाँ पे आप देखो कि ये स्फेरिकल सरफेसेस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो स्फेरिकल सरफेस है। सो स्फेरिकल सरफेस के केस में अगर मैं स्फेरिकल सरफेसेस लेता हूँ, देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और अगर आपके पास जो सरफेसेस हैं वो स्फेरिकल है, देन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो तो रेडियल डायरेक्शन होगा, ये वाला रेडियल डायरेक्शन होगा, राइट। नाउ आपके पास अगेन दो पॉसिबिलिटी हैं, कौन सी दो पॉसिबिलिटी हैं, ये स्फेरिकल सरफेस है एंड इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो रेडियल डायरेक्शन है। सो या तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड हो सकती है या तो फिर रेडियली इनवर्ड हो सकती है। कैसे चेक करेंगे कि रेडियली आउटवर्ड है या इनवर्ड, सेम लॉजिक, आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए। सो यहाँ पे पोटेंशियल है 60, यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 20। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने पे जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है 60 से 30 से 20, राइट, इट मीन्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन सही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 60, 30, 20, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने पे आपका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है 20 से 30, 30 से 60, राइट, सो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन नहीं है। ये तो हो गया डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सो जब भी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, सो हमें पॉइंट चार्ज के बारे में सोचना चाहिए, लाइक जो पॉइंट चार्ज होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ना वो रेडियली आउटवर्ड निकलती है। सो अगर हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट चार्ज है ये कितना पॉइंट चार्ज होगा, सो आप देखो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, अगर वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है देन उसका जो पोटेंशियल है वो कितना है 60 वोल्ट। सो आप देखो पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आता है दैट इज के क्यू बाय आर, पोटेंशियल कितना है 60, सो 60 इज इक्वल टू के की वैल्यू हो गई 9×10⁻⁹ इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय आर, आर जो है वो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर, सो दैट इज 0.1। सो यहाँ से जो क्यू की वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 60×0.1 डिवाइडेड बाय 9×10⁻⁹, सो ये जो निकल के आ रहा है ये हो गया 6×9×10⁻⁹, ये चार्ज, राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। लाइक मैंने 60 वोल्ट वाली सरफेस से निकाला, आप चाहो तो जो 30 वोल्ट वाली सरफेस है उससे निकाल लो, जो 20 वोल्ट वाली सरफेस है उससे निकाल लो, आपका जो चार्ज आएगा ना वो सेम आएगा, राइट। नाउ हमें पता चल गया कि हमारा जो पॉइंट चार्ज है उसकी वैल्यू ये है, सो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी और किसी डिस्टेंस आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू है 9×10⁻⁹, क्यू की वैल्यू है 6×9×10⁻⁹ एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आप देखो ये -9 और +9 कैंसिल हो गए, 9 से 9 कैंसिल हो गया, सो 6/r² वोल्ट पर मीटर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी पॉइंट चार्ज के कारण। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।